जो व्यक्ति ये चार कार्य से जुड़ा हुआ है वो कली से जुड़ा हुआ है। और वो व्यक्ति चाहे कि हमारे जीवन में सुख आए तो कैसे आ सकता है, कैसे संभव है? जहां कली रहे वहां भगवान तो नहीं रह सकते। आप अपने घर में रोज रात को एक बोतल लेकर के आते हो, ठीक है? अब याद कर लेना जो आपने किया, मैं बोलती जा रही हूँ, आप याद कर लेना, हाँ ऐसा भी किया था। रोज रात को एक बोतल घर में लेकर के आए, बहुत महंगा वाला लेकर के आए, और आपने बड़े प्यार से उसे घर में रखा, और उसी घर में आपकी पत्नी भगवान को विराजमान करा रही, बाल गोपाल को भोग लगा रही, सेवा कर रही है, हे भगवान हमारे जीवन में सुख दे दो, हमारे पति के मति को सुधार दो, इस व्यसन से पति को दूर कर दो। पत्नी प्रार्थना भी कर रही है, वो प्रार्थना तो कर रही है लेकिन उसके जो सेवा है उसको आप निष्फल कर रहे हो, क्योंकि आप रोज बोतल ला रहे हो, संभाल करके रख रहे हो, यानी कली को भी ला रहे हो, वहीं पर भगवान भी पूजा किया जा रहा है, लेकिन जहां कलियुग का दुष्प्रभाव हो वहां भगवान नहीं रह सकते। अपने भगवान को तो रख लिया, जबरदस्ती रख लिया, लेकिन आपके घर में भगवान को रहने की वातावरण आप बना नहीं रहे हो। कभी जुआ खेल के धन लेके आते हैं पति और कहते हैं कि देवी ये मैं जुआ में दूसरों को हरा करके 5,000 लाया, इसको संभाल करके रख लो। जैसे पैसा दिखा तो पत्नी का भी थोड़ा सा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, चलिए जाइए कल भी खेल के आना, कल 5 लाए थे, कल अब 2 दिन बाद जा रहे हो तो 20,000 लाना, अच्छे से जाना, बेस्ट ऑफ लक कह दिया, भेज दिया। अब पति गए जुआ के धन फिर से लेकर के आए, पत्नी ने संभाल के रखा, जो पूरी साल भर खेती लगा करके जो फसल आपने बेचा उससे मेहनत का जो पैसा आया, कितना कमाते हो साल भर में? हाँ, खेती से 10-12 लाख नहीं आता, 5 लाख नहीं। अब जितना भी कमाते हो, देखो दूसरों की जो कमाई है उसको पूछने के अधिकारी हम नहीं है, लेकिन जितना भी आप कमाते हो, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख कितना भी आप अपने अलमारी में संभाल के रखे, कल बेटा को पढ़ाने के लिए भेजना पड़ेगा तो उसके लिए खर्चा होगा, आपने संभाल के रखा, और आपके पति ने जुआ से 20,000 कमा करके लाए, पत्नी को दिया, देवी इसे रख लो अलमारी में। जैसे पत्नी ने रखा, आपका मेहनत का धन है, जुआ का धन है, और वो जुआ का 20,000 आपके अलमारी में रखा हुआ 2.5 लाख को साफ कर सकता है। जुआ का धन इतना खराब होता है, इसलिए कभी भी जीवन में जुआ मत खेलिएगा। कुछ लोग कहते हैं हम कितना भी कमाई कर लें लेकिन पैसा टिकता नहीं, बचता नहीं, कुछ उपाय हो तो बता दो। समस्या आप स्वयं बना रहे हैं, और समाधान चाहे तो आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई उपाय नहीं होता, बस आप अपनी गलती को सुधार लें। कुछ लोग ये भी बोलते हैं आप तो उपाय बहुत ज्यादा बता देती हैं, हमें भी कुछ बता दो। आप लोगों ने भी सुना होगा यूट्यूब में, हम यही सब बताते जो भागवत में लिखा गया, जो ग्रंथों में लिखा गया, जो बड़े बड़े साधु संतों ने बताया, जो पुराणों में वर्णन किया गया कौन से गलती करने से क्या नुकसान होता है, और हम घर में ऐसे कौन से कार्य कर रहे हैं जिससे जीवन में तरक्की रुक गई है, कभी भी कितना भी मेहनत कर रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा डबल खर्चे हो रहे हैं, यही सब बातें जो भागवत में बताया यही सब बातें हम बता देते। अगर आप उस चीज को पालन करोगे तो आपका भी धन
जो कमाओगे वो बचने लगेगा, तरक्की नहीं हो रहा है होने लगेगा, जीवन में असफलताएं आ रही है सफलता मिलने लगेगी, लेकिन कर्म करना तो हमारा धर्म है। प्यार से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी, राधे राधे, मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना। तो चार स्थान दिया, कली कहता है कुछ अच्छा सा दे दो, जुआ में दिया, मदिरा पान में दिया, परस्त्री गमन जहां होता वहां रह लो, हत्या हिंसा, जो व्यक्ति दूसरों को मार करके खाता है वहां पर भी कली रहता है, इसलिए जीव हत्या करना भी पाप है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है जीव हत्या यहाँ के लोग तो नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे। हम एक जगह गए कथा सुनाने के लिए छत्तीसगढ़ में, तालाब में भरा हुआ था मछली, हमने कहा कितना सेवा करते हो, और वो लोग जो मछली पाल रखे थे वो दाना लाके खिला रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हमने पूछा कि आप लोग कितने अच्छे हैं, मछली को खिला रहे पिला रहे तालाब में भर के रखे, कितना सेवा करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग बोले कि हाँ देवी जी क्या करें, इन्हीं से तो हमारा सब्जी का काम चल जाता है। अब देखो ये हंसने वाली बात नहीं, ये बहुत बड़ा दुखदाई बात है। वो लोग बोल रहे हैं ये मछली को ही हम सब्जी बना के खाते हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, जीव हत्या हो रहा है। हमने बाद में सोचा कि राम राम हम यहाँ आए ही क्यों। देखो जीवन में आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो आपको किसी के प्राण लेने के अधिकार भी नहीं है। इसलिए जीव हत्या कभी ना करें। एक बार एक व्यक्ति बकरा को काट रहा था। देखो यहां से ऐसी बातें बोलना उचित नहीं है, फिर भी व्यासपीठ से जो भी कहा जाए व्यक्ति के लिए उपदेश के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और यहां से जो जो भी बात उचित होता वही निवेदन किया जाता है। एक व्यक्ति बकरा को काट रहा था और जैसे उसने तलवार उठाया बकरा हंसने लगा और उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें काट रहा हूं तुम्हें मार रहा हूं, तुम अभी एक पल के लिए जीवित हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा। तो उसने कहा कि हंसने का कारण क्या है ये बता दो मरने से पहले। तो बकरा बोला देखो भैया आप मुझे 2 मिनट में मार दोगे मुझे पता है, और मुझे इतना भयानक मौत मिल रही है, तलवार से मुझे काटने वाले हो, मुझे दर्द होगा पीड़ा होगा ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हंसी इस बात की आ रही है, मैंने तो जीवन भर घास खाया। बकरा क्या खाता है? घास। मैंने तो जीवन भर घास खाया, किसी के शरीर को नहीं खाया, फिर भी मुझे इतना भयानक मौत मिल रही है, और तुमने तो जीवन भर हमारे मांस खाया, तुम्हें कितना खतरनाक मौत मिलेगी, इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। देखिए जिसने जीवन भर जीव हत्या किया उसको मुक्ति तो नहीं मिलेगी, जो दुख आपने जीव को दिया उससे ज्यादा दुख आपको प्राप्त होगा। पाप किया है तो पाप का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए कर्म जैसा होगा उसी के हिसाब से फल मिलेगा।